और अब मैं जा रहा हूँ टीवी देखने। ठीक है। और हाँ, और पापा अगर कॉल आएगा ना तो बोल दीजिए कि सिनु पढ़ाई करने गया है, नहीं तो आने के बाद हमको ना कूट देंगे। चलो आज देखो टीवी पे आ क्या रहा है। अरे पापा ने रिमोट किधर रख दिया यार, हैं? कहाँ रखा, कहाँ रखा? हाँ मिल गया। युवा दिलों की धड़कन, ये विज्ञान प्रसार का जहन्नम केंद्र है और मैं हूँ आकाश और मेरी वाणी में सुनेंगे आप आकाशवाणी। अरे यार इस साला टीवी खोलते ही अपना मनहूस चेहरा काहे दिखा देता है। घड़ी में बज चुके हैं 8:56 और 13 सेकंड और समय हो चुका है हेलो फरमाइश का, जिसमें जनता जनार्दन के मनपसंद गाने बजाए जाएंगे। चैनल ही क्यों नहीं चेंज हो रहा यार। चलो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही देख लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल करने की जरूरत ना करें। हेलो 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 सर, हमें आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो फरमाइश में आप अपने मनपसंद के गाने। हेलो हेलो सर, हम दामिनी बोल रहे हैं। हाँ तो बताइए कमीनी जी। अरे सर दामिनी दामिनी। हाँ तो दो बार दामिनी। अरे सर एक बार दामिनी। हाँ तो एक बार दामिनी, अपने बारे में बताइए हमारे इन लफंगे दर्शकों को। सर मैं चौक पे रहती हूँ और 12th क्लास में पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर हूँ सर। अच्छा तो बहुत टाइम निकाल के आई है स्टूडियो पर। क्या सर? दामिनी जी बताइए आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? सर हमें अनु मलिक का गाना सुनना है, हमको तुमसे प्यार है। अरे हमको भी। यस सर। अरे चलिए ठीक है, तो कंप्यूटर जी दामिनी जी का गाना बजाया जाए, हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है। ये एक नंबर का छिछोरा एंकर है साला, एक तो साले का चेहरा भी काले करेले जैसा, ऊपर से साला लाइन मारता रहता है। तो आपको क्यों जलन हो रही है? मुझे क्या है? तो गाना बजा दे। ओ सॉरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेबी कैसी हो आप? एक बात बोलो बेबी, ये देखो एकदम चॉकलेट की तरह दिखती हो। अच्छा हमको भी खिलाओ। तो सारे टीवी के अंदर ही हो, बता दे रहा हूँ, और सारे तोड़ देंगे तुमको। हाँ बेबी तुमको ना मैं बात बात करता हूँ, अभी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे यार पहले तुम इसका आवाज तेज कर लूं, धीरे कर लूं, ज्यादा ही धीरे हो गया, तेज कर लूं, धीरे कर लूं। साले इधर आ, 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 धीरे ही कर ले यार, धीरे कर ले बच्चा। ठीक है ठीक है, ऐसे कौन मारता है भाई? ऐसे हम मारते हैं। एक तो साला सुबह से चैनल ही नहीं चेंज हो रहा है, ऊपर से साला दिमाग खराब करके रखा है। 149 रुपए में केवल ये एक ही चैनल मिलता है। बस 149 रुपए में सिर्फ एक चैनल। इधर आओ आप लोग, सुनो सुनो, तो तुम्हारी औकात से ज्यादा है, तुम्हारी औकात से ज्यादा है वो। मेरी औकात से? तो अब बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अबे ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है कि तोड़ रहा है? रवीना टंडन वाली प्रोफाइल लगा के लड़की ने लड़के को फंसाया, सामने से देखा तो निकली रानू मंडल। बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। उधर मैदागी स्थित सरद बहार में छेने का रसगुल्ला फट जाने से 100 लोगों की मौत और भारी मात्रा में लोग जख्मी हुए। मृतक लोगों को सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जख्मी लोगों को शीघ्र ही कब्र खोदकर दफनाया गया है।
उधर कलुआ की माई और कलुआ के बाप में हुआ हिंसक झड़प। कलुआ के बाप का आरोप है कि कब तक टाइट से कपड़े चमकाओगी, कभी तो अपने मुंह को चमकाओ, जिससे कलुआ की माई ने गुस्से में आकर कलुआ के बाप का गला घोटा, जिससे कलुआ अनाथ हो गया। बेचारा तो अनाथ हो गया यार। आज दोपहर में 3:30 पर मैदानी पर एक बूढ़ा कुल्हड़ में डूबकर मर गया, जिसको निकालने के लिए इलाहाबाद से हाई पावर की क्रेन मंगाई जा रही है। लड़का कि कुआं था। अब बढ़ते हैं अगले। शादियों का सीजन चल रहा है। उधर मुरादाबाद में हुई एक नई नवेली शादी में दामाद ने ससुर पर लगाए गंभीर आरोप। बोला, आपकी बेटी शादी वाले दिन आलिया और उसके अगले ही दिन कालिया नजर आए। मैं तो शादी नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अब तुम जैसे लफंगों के लिए 2 लाइन शायरी अर्ज करना चाहूंगा। दिल को बातों में ही उलझा लेता हूँ। ओके ओके। वावा क्या तेरा बाप बोलेगा? वावा वावा वावा। दिल को बातों में ही उलझा लेता हूँ, मैं बिना बाबू के भी थाना खा लेता हूँ। प्रेरणा चेंज करता हूँ। मम्मी, मम्मी पानी। किसने? मम्मी जैद ने। आप लोगों का यार प्यार राजा रवीश कुमार, हमको तो आप जानते ही होंगे ना जी। सर, लेकिन आपको जानता कौन है? खेल दिया ना जी। तो अफवाहों पर से ध्यान हटाते हैं और बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले साल कोरोना के कारण लोगों में हवस का माहौल बना हुआ था। सर हवस नहीं, हदस हदस। अरे कुछ तो बना हुआ था ना जी। जी जी सर। बतवाई सेम सेम डिफरेंस इज तनी मनी। तो लोगों में हदस का माहौल बना हुआ था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और सरकार अभी तक वैक्सीन लाने में असमर्थ है। सर आ गई है, आ गई है। वैक्सीन आ गई है पर वैक्सीन कारगर नहीं है, लेकिन लोगों को। अरे सर आ भी गई है और कारगर भी है। सरकार का उल्टा सीधा रख के रखते हैं जी। आज हमसे ज्यादा तो इनको पता है, हटाइए सब। अरे 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 सर सर पानी तो पीलिए। पानी तो ले लीजिए। पागल है क्या? हाय, इसमें कुछ डाल दिया कीजिए जी। इतनी बिहारी आ गई है मित्र के प्रोडक्शन में। हाय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं सरकार से नाखुश लोगों को, जो कोरोना काल में अपने जीवन को कैसे व्यतीत किए उनसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हैं राम लखन, जो हमें बताएंगे कि कोरोना काल में उनके साथ क्या हुआ। तो राम लखन जी, अरे काम, अरे उनके घरे में घुस जाइएगा जी, इधर बैठिए इधर। तो बताइए सरकार से अभी क्या क्या समस्या है जी? सर हेलो हेलो हेलो। सरकार से अभी क्या क्या समस्या है जी? अगला आदमी बोल ही नहीं रहा है। दूसरे गोला से आए हैं, पप्पू के चेला हैं। चलिए जाइए। तो आपने देखा कि कैसे कैसे चूतिया लोग आते रहते हैं और हमारा दिमाग चाटते रहते हैं। और मोदी जी चुनौतियों से ज्यादा इन जैसे चूतियों से परेशान हैं। अरे सर कोई स्पोर्ट का खेल तो सुना दीजिए। तो अब बिना देर किए बढ़ते हैं खेल की तरफ। विराट कोहली ने शाहजहां के मैदान पर एक बॉल में 265 रन बनाकर रचा इतिहास।
और उधर पांड्या ने डांडिया खेलकर ऐसा छक्का लगाया कि बॉल पाकिस्तान के लाहौर में जाकर गिरी और वहां के लोगों ने बोला कि भारत ने हमला कर दिया है। चूतिया है क्या वहां के लोग? मैं तो चूतिया ही हूं जी। तुमसे तो कमी चूतिया है। बताएं, हाय बाबा, हाय बताएं कौन चूतिया है? हाय जी, नमस्कार दोस्तों, मैं आदम गोस्वामी यार एक बार फिर से पूछता है भारत। अबे तू मनहूस चेहरा अपना लेके फिर से आ गया। साले तू बाहर होता ना फिर हड्डी तोड़ के सर तेरे हाथ देता भी। पेंटोनियो मानो हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ। अबे तू बाहर आके दिखा ना। तू अंदर आके दिखा ना। अबे तू बाहर आके दिखा ना। अबे तू अंदर आके दिखा ना। तो जाते जाते आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मोहल्ला बनारस को अच्छा प्यार देने के लिए धन्यवाद। उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और मोहल्ला बनारस पार्ट 2 के लिए प्रतीक्षा करें। वो होली पर आएगा और धमाल मचाएगा। नमस्कार, मैं राजा रवि कुमार।